हाय गाइस, हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें है, लिखा है टू शो अ मल्टी वे डिसीजन बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशन वी यूज एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, जब मल्टी वे डिसीजन प्रोग्राम करना हो तो हमें एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। देखिए इसका सिंटेक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। इफ कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस पार्ट में चला आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या करेगा, ये चेक करेगा एल्स इफ कंडीशन ट्रू तो ये प्रिंट करो, फिर अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये यहाँ आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये इस तरह से करके ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट कहाँ आएगा, एल्स पार्ट में आएगा और ये प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं, इससे हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा सिंटैक्स से भी। देखिए क्या है, ये कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट वन प्रिंट करो, अगर ये फॉल्स है तो ये कंडीशन टू को चेक करेगा, अगर कंडीशन टू ट्रू है तो स्टेटमेंट टू को प्रिंट करो, अगर कंडीशन टू भी फॉल्स निकला है, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो ये कंडीशन थ्री को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो इसको प्रिंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, अगर फॉल्स निकला तो ये फोर को जाएगा, कंडीशन फोर फिर कंडीशन फाइव फिर सिक्स, अगर इस तरह अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है तो आगे बढ़ता ये जाएगा, कंडीशन को चेक करता हुआ जाएगा। तो जहाँ भी इसको कंडीशन सही ट्रू मिलेगा उसके उसमें जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है एल्स इफ स्टेटमेंट। चलिए अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू अवार्ड ग्रेड्स। ठीक है, स्टूडेंट्स का ग्रेड्स यहाँ हम लोग निकालेंगे ए बी सी डी में। कोड्स में आप लोगों को समझा देता हूँ क्या है। इंट डाटा टाइप ये है, मैंने रिजल्ट एक वेरिएबल है, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू इंटर द टोटल मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, जबकि स्टोर होगा कहाँ, रिजल्ट में। यहाँ मैंने यूज़ किया है, सिंटेक्स याद है आप लोगों को आई होप। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है क्या, इफ़ ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इसको प्रिंट करो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस कंडीशन को ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको प्रिंट करेगा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है तो ये इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू है तो इसको प्रिंट करेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एल्स पार्ट में आकर ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। तो ये इसका एग्जीक्यूशन करने का तरीका है। चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। इंटर द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ रिजल्ट लेस देन और इक्वल्स टू 50, अगर लेस देन और इक्वल टू 50 हो तो क्या होगा, प्रिंट ग्रेड डी। तो चलिए हम लोग 50 देते हैं, 50 मैंने दिया, ग्रेड डी हमारा प्रिंट हो गया। चलिए हमें समझ में आ गया कि हाँ ये ट्रू था तो ये प्रिंट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ डालेंगे 60, जो कि कहता है कि ये जो आपका कंडीशन है ये फॉल्स है, ये कंडीशन जब फॉल्स है तो इसको ये प्रिंट नहीं करेगा बल्कि ये नीचे आएगा और चेक करेगा कि हाँ ये कंडीशन सही है, रिजल्ट लेस देन और इक्वल टू 60 है, हाँ ये सही है, तो ये इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन जब यहाँ दिख रहा है आपको लेस देन 50 60 75, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 75, लेकिन क्या होगा जब ग्रेटर देन 75 होगा, यानी कि अगर किसी ने 90 मार्क्स लाया तो क्या होगा, तो ग्रेड ए आएगा। कैसे, देखिए यहाँ ये इस कंडीशन को चेक किया, लेस देन और इक्वल्स टू 50 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स, यहाँ भी चेक किया कंडीशन फॉल्स, यहाँ भी चेक किया कंडीशन फॉल्स, यानी कि सारे कंडीशन फॉल्स हैं, तो ये एल्स पार्ट में आएगा और चेक एल्स पार्ट में चला आएगा और इसको ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जीक्यूशन करने का तरीका है। ठीक है, आई होप कि सभी की समझ में आ गया होगा। एल्स इफ स्टेटमेंट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सा है। आई होप कि सभी समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।